कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का एक तथाकथित ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें वो अपने परदादा जवाहरलाल नेहरू के बारे में अपनी पसंदीदा कहानी बता रही हैं। इस स्क्रीनशॉट को पोस्ट करने वाले यूजर का नाम है सदानंद घोड़गेरीकर। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं। एक अन्य ट्विटर यूजर मुरली जयहिंद ने यह स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि प्रियंका गांधी ने यह ट्वीट अब डिलीट कर दिया है। मंजीत बग्गा ने सवाल किया, किसकी पत्नी वैसे? स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखने पर ही मालूम होता है कि ये मॉर्फ किया हुआ है। सबसे पहले तो डेट और टाइम नीचे और ऊपर दाईं तरफ दोनों जगह देखे जा सकते हैं। ऐसा अमूमन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम ट्विटर पर यूं ही स्क्रॉल करें तो डेट और टाइम ऊपर दाईं ओर दिखता है, लेकिन जैसे ही किसी ट्वीट पर क्लिक करते हैं तो डेट और टाइम नीचे दिखने लगता है। ऑल्ट न्यूज ने जानने की कोशिश की कि क्या प्रियंका गांधी ने पिछले साल जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उनके बारे में कोई ऐसा ट्वीट किया था। हमें मालूम पड़ा कि प्रियंका गांधी ने असल में 14 नवंबर 2019 को जवाहरलाल नेहरू के बारे में अपनी फेवरेट कहानी शेयर की थी, लेकिन वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट में ट्वीट की आखिरी लाइन बदल दी गई है। प्रियंका गांधी ने लिखा था कि नेहरू बॉडीगार्ड के बगल में रखी कुर्सी पर लेट गए, न कि उसके कमरे में उसकी पत्नी के साथ सोने चले गए। इसके अलावा प्रियंका गांधी का ट्वीट आईफोन से किया गया है, जबकि वायरल स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है ट्विटर फॉर एंड्रॉइड। प्रियंका गांधी के ट्वीट को पिछले साल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था। द इंडियन एक्सप्रेस ने उसी दिन इस पर एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था। यानी सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के पुराने ट्वीट को एडिट करके जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पहले भी उन्हें कथित रूप से अनैतिक साबित करने के लिए कई बार गलत और भ्रामक जानकारियां फैलाई जा चुकी हैं, और हर बार बातें बेहद भद्दी और छिछली होती हैं।